हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरी चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो आप ये पौधा देख रहे हैं, तो वो किस तरीके से, जब छोटे छोटे बच्चों को गैस बन जाती है पेट में, तो हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। वैसे तो ये ठंडी जगह पर ही होता है, लेकिन पंसारी की दुकान में आसानी से आपको इसकी जड़ मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो देखिए, हमें किस रोग में कैसे प्रयोग करना है, मैं आज आपको वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। अगर छोटे बच्चों को पेट में गैस बन गई है, अफारा हो या अपच की समस्या है और पेट साफ नहीं रहता है, तो रेवन चीनी को चंदन की तरह घिसकर थोड़ा शहद में मिलाकर बच्चों को चटा दें। इससे बच्चों को कुछ ही दिनों में सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 2 से 3 महीने के बच्चे को, या आप इसे 1 से 2 दिन के बच्चों को भी सेवन करा सकते हैं। इससे तो पेट तो साफ होगा ही बच्चों का, साथ ही साथ उनके पेट में जो भी गैस की संक्रमण की समस्या होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो आप, और जिन छोटे बच्चों को दूध नहीं पचता, बार बार उल्टी हो जाती है, उन्हें थोड़ी मात्रा में रेवन चीनी को घिसकर शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार कुछ दिन तक चटाएं, उनके पेट की पाचन क्रिया तो ठीक हो ही जाएगी और साथ ही साथ दूध भी हजम हो जाएगा और उल्टी भी बंद हो जाएगी। बड़े लोग इसका किस तरीके से सेवन कर सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गैस की शिकायत है, खट्टी डकारें आती है, अपच की शिकायत हो, वो 1-1 भाग बराबर मात्रा में रेवन चीनी मिश्री धनिया पाउडर बना लें। सुबह शाम खाली पेट आप गुनगुने पानी के साथ पी लें, इससे पेट भी साफ होगा। लेकिन अगर आपको एसिडिटी बनने के साथ साथ दस्त की भी परेशानी है, तो आप इसका सेवन वहाँ पर बिल्कुल ना करें। और यदि आपको आमवात मतलब अर्थराइटिस की शिकायत है, शरीर में दर्द रहता है, कमर व जोड़ों में भी दर्द रहता है, तो रेवन चीनी, मेथी, सौंठ और हल्दी तिचारों का पाउडर बना के आप सुबह शाम ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कुछ दिन तक सेवन करने से आपकी ये जोड़ों की दर्द की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए कितना फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और आप इनका कोई भी नुकसान नहीं है। आप छोटे से बच्चों को भी ये दे सकते हैं। और जिन लोगों को शीतपीत के लिए रेवन चीनी बहुत गुणकारी है, यदि आपको शीतपीत है, दाफड़ पड़ जाते हैं, फोड़े पड़ जाते हैं, तो 2-2 ग्राम रेवन चीनी मिश्री भाग को मिलाकर पाउडर कर लें और इस पाउडर को आप सुबह शाम ताजे पानी के साथ रोज सेवन करें। इससे पेट तो साफ होगा ही, कुछ ही दिनों में आपको फोड़े फुंसी की शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो देखिए ये कितनी ज़्यादा फायदेमंद है, आप इसका उपयोग ज़रूर करें। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप छोटे छोटे बच्चों को भी, जो नवजात शिशु हैं, उनको भी पेट में जब गैस बन जाती है, उनका पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है, तो ऐसे में आप ये घर पर ज़रूर रखें। आपको इसको आयुर्वेदिक स्टोर में इसका चूर्ण भी मिल जाएगा और पंसारी के वहाँ आपको इसकी जड़ भी मिल जाएगी। चाहे तो आप खुद भी कूट कर इसका पाउडर बना के रख लें और इसी तरीके से सेवन कराएं। छोटे बच्चे हो तो कम मात्रा में सेवन कराएं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपको अगली ही एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक ले, बाय, टेक केयर।